Hello people, welcome back to the channel and this is Dr. Chandra from Dr. Chandra Dental Studio or aap dekh rahe hain The Wisdom Talk. We are doing 365 days challenge jisme hum har din ek naya video leke aate hain on oral health education as well as dentistry. So topic of the day is types of tooth preparations. Jaise ki last lecture humne kara tha about finish lines, gingival finish lines. तो आज का जो टॉपिक है वो है टाइप्स ऑफ टूथ प्रिपरेशन. तो उसी चीज़ को हम आगे कंटिन्यू कर रहे हैं. तो आइए स्टार्ट करते हैं. कंटेंट्स: प्रिपरेशन फॉर फुल विनियर क्राउन्स, फुल मेटल क्राउन प्रिपरेशन, इंटीरियर मेटल सिरेमिक क्राउन एंड पोस्टीरियर मेटल सिरेमिक क्राउन्स, ऑल सिरेमिक क्राउन्स. डेफिनेशन: द सिलेक्टेड फॉर्म गिवन टू नेचुरल टूथ व्हेन इट इज रिड्यूस्ड बाय द इंस्ट्रूमेंटेशन टू रिसीव अ प्रोस्थीसिस guided by clinical circumstances and physical properties of the material. Types: complete crown and full veneer crown, a restoration that covers the entire coronal tooth surfaces that includes mesial, distal, facial, lingual and occlusion. Partial veneer crown, a restoration that restores all but one coronal surface of a tooth or dental implant abutment, usually not covering the facial surface. तो हम स्टार्ट करने वाले हैं फुल मेटल क्राउन से. फुल मेटल क्राउन यूज्ड वेयर द ब्रेक डाउन ऑफ द टूथ स्ट्रक्चर इज सीवियर टू द एक्सटेंट दैट हैज बीन डिस्क्राइब्ड इन ऑपरेटिव डेंटिस्ट्री एज द फाइनल अटेम्प्ट टू प्रिजर्व द टूथ. फुल मेटल क्राउन मोस्टली हम पीडो में यूज करते हैं, किड्स में यूज करते हैं, उनके दांत बहुत केरियस होते हैं. उन दांतों की लाइफ को बढ़ाने के लिए उनको एंडोडोंटिकली ठीक करके, उनका पल्पोटमी पल्पेक्टमी करके हम उसके ऊपर फुल मेटल क्राउन देते हैं ताकि वो दांत जब तक एक नेचुरल स्पेस में डेनर की तरह काम करे और जब तक रहे वो ढंग से उसे खा पी सके. तो मोस्ट रिटेंटिव ऑफ नियर प्रिपरेशन. इसके इंडिकेशन क्या है जो मैं आपको बता रहा था कि पीडो में यूज होते हैं, वही अपने इंडिकेशन के बारे में बात करेंगे. तो फर्स्ट वन इज extensive destruction from caries, endodontically treated tooth, existing restoration that need the use of a more conservative restoration, necessity for maximum retention, minor correction for malinclinations, recontouring of axial surfaces, provide contour to receive removable appliances, correction of occlusal plane. तो ये सब indications हैं, बहुत simple है, पढ़ के ही हमें समझ आ जाएगा. चलिए आगे बढ़ते हैं. कॉन्ट्राइंडिकेशन बहुत ज़रूरी है. लेस देन मैक्सिमम रिटेंटिव नेसेसरी एंड एस्थेटिक्स. ऑब्वियसली इसके एस्थेटिक्स जो हैं वो इतने अच्छे नहीं होते हैं, इसलिए हम इसको पोस्टीरियर दांतों में ही देते हैं ज़्यादातर. एडवांटेजेस क्या हैं इसके? स्ट्रॉन्ग है, हाई रिटेंटिव क्वालिटीज हैं, ईजी टू ऑब्टेन एडिक्वेट रेजिस्टेंस फॉर्म, ऑप्शन टू मॉडिफाई फॉर्म एंड ऑक्लूजन. तो ये अगर आपने कभी देखे हैं ये फिक्स आते हैं, मेटल क्राउन आते हैं, प्री फॉर्म्ड होते हैं और हमें इनको इनके साइज के हिसाब से ओरल कैविटी में दांत के हिसाब से थोड़ा बहुत एडजस्टमेंट करके फिट करना होगा. देन वी कम टू प्रिपरेशन. तो हमें क्या क्या चाहिए उसके लिए अब हम देख लेते हैं. टेपर्ड कार्बाइड बर फॉर ओक्लूजल गाइडिंग ग्रूव्स, नॉर्मल राउंड टिप टेपर्ड डायमंड रेगुलर ग्रेड 0.8 mm फॉर ओक्लूजल रिडक्शन, एक्सियल अलाइनमेंट ग्रूव, एक्सियल रिडक्शन एंड शैम्फर बर. वाइड राउंड टिप टेपर डायमंड 1.2 mm फॉर फिनिशिंग. ये था हमें कौन से बर चाहिए. अब हम बात करेंगे स्टेप्स क्या है इसको प्रिपेयर करने के. तो गाइडिंग ग्रूव फॉर ओक्लूजल रिडक्शन, टेपर्ड कार्बाइड बर इज रिकमेंडेड. प्लेस डेप्थ प्रूफ होल्स अप्रॉक्स 1 mm डीप इन सेंट्रल मीजियल एंड डिस्टल फोसा एंड कनेक्ट देम. मैं आगे आपको पिक्चर्स दिखा के ये सब कनेक्ट करवा दूंगा. गाइडिंग ग्रूव्स इन बक्कल एंड लिंगुअल डेवलपमेंटल ग्रूव्स, प्लेस अ फंक्शनल कस्प बेवल, डेप्थ शुड बी 0.8 mm फॉर सेंट्रल ग्रूव्स एंड नॉन फंक्शनल कस्प 1.3 mm फॉर फंक्शनल कस्प. ऑक्लूजल रिडक्शन इज डन इन टू स्टेप्स, हाफ ऑक्लूजल सरफेस इज रिड्यूस्ड फर्स्ट एंड अदर हाफ कैन बी मेंटेन्ड एज रेफरेंस. मिनिमम क्लियरेंस ऑफ 1.5 mm ऑफ फंक्शनल कस्प एंड 1 mm ऑफ नॉन फंक्शनल कस्प. एक्सल रिडक्शन वेरी इंपॉर्टेंट,
Place 3 alignment grooves on each buckle and lingual wall with narrowed round and taper diamond. The bus should be parallel to proposed path of withdrawal of restoration. Diamond bar with 6 degree taper is used and identical axial taper with result in preparation. Maintaining islands of tooth structure between alignment groups are removed while the chamfer margin is placed. उन चीज़ों का ध्यान रखना है जब भी आप प्रिपेयर कर रहे हैं. प्लेस द सर्वाइकल शैम्फर ऑफ अप्रॉक्सीमेट 0.5 mm विथ फिनिश लाइन फाइन विद ग्रिड कार्बाइड बार अराउंड ऑफ ऑल द लाइन एंगल्स. तो लाइन एंगल्स को हमने अराउंड ऑफ करना है. ये वही जो मैंने अभी आपको बोला है समझाया है ये उनका पिक्टोरियल डिस्क्रिप्शन है. तो अगर हम यहाँ देखें तो ऑक्लूजल रिडक्शन राउंड एंड टेपर डायमंड एंड ये बार नंबर दिया है. ये देखिए हमने ऑक्लूजल रिडक्शन किया है. ये बार यूज हुए हैं राउंड एंड टेपर. फंक्शनल कस्ट बेवल राउंड एंड टेपर डायमंड एंड नंबर 171 L बर्ड. ये हमारा हो गया फंक्शनल कस्ट बेवल. ये हमने दे दिया देखा होगा. उसके बाद हम बात कर रहे हैं बकल एंड लिंगुअल एक्सल रिडक्शन टॉर्पीडो डायमंड. तो ये बकल एंड लिंगुअल ये पूरा हो गया. अप्रॉक्सिमेट एक्सल रिडक्शन शॉर्ट नीडल एंड टॉर्पीडो. तो शॉर्ट नीडल जो बर होता है वो हमें कॉन्टैक्ट एरिया ब्रेक करने के काम आता. शैम्फर एंड सीटिंग ग्रूव. तो शैम्फर देना भी जरूरी है और सीटिंग ग्रूव जो है वो भी हेल्प करती हैं. फुल फीचर्स ऑफ फुल मेटल क्राउन प्रिपरेशन. तो करने के बाद जो मैं आपको फीचर्स बता रहा हूँ मेन क्या क्या हैं जो ज़रूरी हैं. प्लानर ऑक्लूजल रिडक्शन स्ट्रक्चरल ड्यूरेबिलिटी के लिए. उसका जो ऑक्लूजल सरफेस है वो इस तरह का होना चाहिए. एक्सल रिडक्शन रिटेंशन एंड रेजिस्टेंस स्ट्रक्चर ड्यूरेबिलिटी. राइट शैम्फर बहुत ज़रूरी है. मार्जिनल इंटीग्रिटी पैराडोंटियल प्रिजर्वेशन ये हमने कल पढ़ा था इसके बारे में. सीटिंग ग्रूव रिटेंशन एंड रेजिस्टेंस बोथ. तो ये जो है बहुत ज़रूरी पार्ट है. फंक्शनल कस्ट बेबल स्ट्रक्चरल ड्यूरेबिलिटी. तो फंक्शनल कस्ट बहुत इंपॉर्टेंट होती है उसको प्रिजर्व करना हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी. नेक्स्ट इज मेटल सिरेमिक क्राउन. तो आइए स्टार्ट करते हैं. बहुत कॉमनली यूज क्राउन्स हैं मोस्टली 70-80% ऑफ पेशेंट में हम यही यूज करते हैं. तो अब हम स्टार्ट करने वाले हैं मेटल सिरेमिक क्राउन्स PFM के बारे में. तो मैं प्रैक्टिकली ज़्यादा एक्सप्लेन करने की कोशिश करूँगा आपको. सिरेमिक लेयर बॉन्डेड टू थिन कास्ट मेटल कोटिंग दैट फिट्स ओवर द टूथ प्रिपरेशन इज PFM. ग्रेटेस्ट स्ट्रेंथ देन ऑल द सिरेमिक क्राउन्स ऑब्वियसली बिकॉज ऑफ मेटल. इंडिकेशन क्या है? एस्थेटिक्स है. इफ पोर्सलिन जैकेट क्राउन इज कॉन्ट्रा इंडिकेटेड तो उसकी जगह हम ये दे सकते हैं. कॉन्ट्रा इंडिकेशन क्या है? लार्ज पर चैम्बर हो वहाँ नहीं दे सकते. इंटैक्ट बकल वॉल हो तब भी नहीं दे सकते. When more conservative retainer is technically feasible, तब भी देने की कोई आवश्यकता नहीं है. Advantages क्या है? Superior aesthetics हैं और retentive तो ये है ही. Disadvantage क्या है? Removal of substantial tooth structure. बिल्कुल हमें ज़्यादा कट करना पड़ता है तो ज़्यादा dentin and enamel loss होता है. Subject to fracture because porcelain is brittle. या ये भी एक है. Shade selection can be difficult. Yeah, in case of interior, especially 1-1 and 2-1, it is a hell of a job. Inferior aesthetics compared to all ceramic. बिल्कुल सिरामिक के कंपेरिजन में aesthetics जो हैं वो थोड़े inferior हो सकते हैं लेकिन ये उससे strong भी तो है. तो एक चीज़ अगर अच्छी है तो एक चीज़ बुरी है. Expensive, हाँ थोड़ा expensive तो है. Preparation भी बात आते हैं जो हमारा main मुद्दा है आज का. Armamentarium क्या क्या बार यूज़ करेंगे आइए पढ़ते. राउंड टिप रोटरी डायमंड्स रेगुलर ग्रिट फॉर बकल रिडक्शन फाइन ग्रिटिंग फॉर फिनिशिंग. फुटबॉल और व्हील शेप डायमंड फॉर लिंगुअल रिडक्शन फ्लैट एंड टेपर्ड फॉर शोल्डर प्रिपरेशन फिनिशिंग स्टोन हैचेट एंड चिजल. स्टेप्स ऑफ प्रिपरेशन गाइडिंग ग्रूव्स प्लेस 3 डेप्थ ग्रूव्स एंड सेंट्रल मीजोफेशियल एंड डेंटोफेशियल लाइन एंगल्स. प्लेस इन 2 प्लेन्स द सर्कम The cervical portion is parallel to long axis of the tooth for incisal occlusal follows the normal facial contour 1.3 mm depth. ठीक है. Incisal occlusal reduction. Incisal occlusal reduction. Bur table round tipped diamond bur. Criteria is 1.2 to 1.5 mm reduction of the metal and porcelain.
लेबल रिडक्शन गाइड ग्रूव्स होती हैं, टू प्लेन में होती हैं, बर टेपर्ड राउंड टिप डायमंड बर। क्राइटेरिया 1.5 to 1.2 से लेके 1.5 mm के बीच में रख सकते हैं और मेटल एंड पोर्सलिन बोथ। लेबल रिडक्शन टू प्लेन में, बर फ्लैट टेपर्ड एंड टिपर डायमंड बोथ। एक्सल रिडक्शन में बर कौन सा यूज होगा, टेपर्ड राउंड टिप डायमंड। एंड लिंगुलर रिडक्शन के लिए अगर बात करें तो बर है फुटबॉल शेप डायमंड, बिकॉज वो शेप उसकी काफ़ी अच्छी होती है। क्लियरेंस की क्राइटेरिया की बात करें तो 1 mm क्लियरेंस तो हमें चाहिए चाहिए जब हम बाइट लें पेशेंट को बंद करके जो पूछें चेक करें बाइट, तो 1 mm क्लियरेंस तो चाहिए ही। फिनिशिंग ऑफ शोल्डर और बीवेल शोल्डर, बर टेपर्ड फ्लैट टिप बर हैंड इंस्ट्रूमेंट। क्राइटेरिया इज एक्सटेंड 1 mm लिंगुअल टू प्रॉक्सिमल कॉन्टैक्ट। फिनिशिंग की बात करें तो बर टेपर्ड राउंड टिप डायमंड और कर्बाइड बर। क्राइटेरिया अराउंड ऑफ ऑल लाइन एंगल्स, ये डायग्राम रिप्रेजेंटेशन है। डेप्थ ओरिएंटेड ग्रूव्स है, फ्लैट एंड टेपर डायमंड से पहले हम ग्रूव्स लगाएंगे तीन तीन, ठीक है। ग्रूव्स लगाने के बाद हम उसको रिड्यूस कर देंगे, इनसाइजल रिडक्शन फ्लैट एंड टेपर बन से उसको रिड्यूस कर देंगे। लेबल रिडक्शन इनसाइजल हाफ फ्लैट एंड टेपर डायमंड। उसके बाद अगर हम बात करें लेबल रिडक्शन की जिंजाइवल हाफ में फ्लैट एंड टेपर बर, ये देखिए स्मूथ दिए हुआ है। उसके बाद ये जो मैं आपको बता रहा था लिंगुअल रिडक्शन के लिए स्मॉल बील डायमंड जो होता है, तो ये लिंगुअल रिडक्शन के लिए बहुत बेस्ट बर है। उसके बाद इनिशियल प्रॉक्सिमल रिडक्शन लॉन्ग नीडल डायमंड, तो प्रॉक्सिमल के लिए लॉन्ग नीडल जो है वो कॉन्टैक्ट एरिया ब्रेक करने के काम आता है। मेटल सिरामिक क्राउन्स, मेटल सिरामिक क्राउन्स, तो आइए रेडियल शोल्डर। तो शोल्डर्स के बारे में और रेडियल शोल्डर्स के बारे में कल पढ़ा था, अच्छी तरह पढ़ा था कि जो एंगल है वो कैसा होता है। तो यहाँ पे अगर आप देखें तो यहाँ पे एक्सप्लेन भी करा गया है, पिक्टोरियल डिस्क्रिप्शन है आप देख सकते हैं। उसके बाद फीचर्स ऑफ मेटल सिरामिक प्रिपरेशन, ये इसके फीचर्स हैं। रेडियल शोल्डर, पेरिडोंटल प्रिजर्वेशन स्ट्रक्चर ड्यूरेबिलिटी, ये हमने इसकी प्रॉपर्टीज पढ़ी थी कल। शैम्फर लिंगुअल साइड, मार्जिनल इंटीग्रिटी पेरिडोंटल प्रिजर्वेशन, देन एक्सियल रिडक्शन इनसाइजल नॉच एंड विंग रिटेंटिव एंड रिजिस्टेंस प्रिजर्वेशन ऑफ टॉप स्ट्रक्चर। मेटल सिरामिक प्रिपरेशन फॉर पोस्टीरियर, और ये इंटीरियर की हमने पढ़ ली, अब हम पोस्टीरियर के बारे में पढ़ेंगे। पोस्टीरियर में स्टार्ट करेंगे ऑक्लूजन से, तो प्लानर ऑक्लूजल रिडक्शन, फंक्शनल कस बेवल, डेप्थ ओरिएंटेड फंक्शनल डेप्थ ओरिएंटेड ग्रूव्स फ्लैट एंड टेपर डायमंड बर, और फेशियल रिडक्शन जिंजाइवल हाफ फ्लैट एंड टेपर डायमंड। फेशियल रिडक्शन जिंजाइवल हाफ फ्लैट एंड टेपर डायमंड एंड प्रॉक्सिमल एक्सल रिडक्शन शॉर्ट नीडल डायमंड। पोस्टीरियर मेटल सिरामिक क्राउन, पोस्टीरियर मेटल सिरामिक क्राउन, ये इसके साथ साथ के बर्ड्स की पिक्चर्स हैं आपको दिख रही होंगी। ये है कॉमन एरर्स इन पोर्सलिन जैकेट क्राउन, ये मुझे पिक्चर बड़ी मुश्किल से मिली है, तो पढ़ते हैं क्या लिखा है। कॉमन एरर इन पोर्सलिन जैकेट क्राउन प्रिपरेशन, एक्सेसिव टेपर ऑफ प्रॉक्सिमल सर्फेसिस वन ऑब्वियसली, सेकेंड वन इज इनसफिशियंट टूथ रिडक्शन ऑन द फेशियल सर्फेस। ये कॉमन एरर है जो हम करते ही करते हैं, तो इसलिए इन चीज़ों का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। इनएडिक्वेट टूथ रिडक्शन ऑन ऑफ द लिंगुअल सर्फेसिस फॉर क्लियरेंस एंड डिमिनिश्ड स्ट्रेंथ फॉर पोर्सलिन। वेरिएबल शोल्डर विड्थ, शोल्डर नॉट प्लेस्ड फार इनफ apically 1 mm apical to tissue crest but following contour of gingiva and not violating biological width. Undercuts at the excess gingival line angles, round tooth preparation remove irregularities and to the sandpaper disc. All ceramic crowns. Indication: high aesthetic requirement, incisal edge reasonably intact, endodontically treated teeth, considerable proximal caries, favorable distribution of occlusal load. Contraindication की बात करें तो when superior strength is needed, insufficient coronal tooth structures, they are thin teeth, facial lingually, unfavorable distribution of occlusal load. Advantage की बात करें तो excellent aesthetics, good tissue response, more conservative for facial wall. Disadvantage की बात करें तो less strength होता है, proper preparation extremely critical होता है, brittle nature of the material because of the material used, and it is expensive. Preparation की बात करें तो depth groove की बात करेंगे starting में, तो depth groove for incisal reduction, bar hand taper diamond,
criteria is 1.3 mm deep to allow the for additional reduction during finishing perpendicular to the long axis of opposing toe. ये बहुत important है. इन साइज रिडक्शन बर्क का यूज़ होगा. टेपर डायमंड क्राइटेरिया क्या है कि 1.5 mm क्लियरेंस तो चाहिए ही. डेप्थ प्रूफ ऑफ द फेशियल रिडक्शन इज टेपर डायमंड बार एंड क्राइटेरिया इज 0.8 mm नीडेड फॉर द एडिशनल रिडक्शन ड्यूरिंग फिनिशिंग. फेशियल रिडक्शन की बात करें तो टेपर डायमंड बार यूज़ होगा. रिडक्शन एटलीस्ट 1 mm इज नीडेड क्योंकि स्पेस चाहिए होगा क्राउन को सीट करने में. डेप्थ प्रूफ की बात करें और रिंग रिडक्शन की बात करें तो बार टू बी यूज इज टेपर्ड एंड फुटबॉल शेप डायमंड. इनिशियल डेप्थ इज 0.8 mm. रिक्रिएट द कॉन्केव कॉन्फिगरेशन. जो कॉन्केव शेप है उसको वैसे रखें एंड अवॉइड स्ट्रेस. डेप्थ प्रूफ ऑफ द सिंगल रिडक्शन बार इज टेपर डायमंड. क्राइटेरिया इज पैरेलल टू सर्वाइकल एस्पेक्ट ऑफ फेशियल प्रिपरेशन. 1 mm रिडक्शन. शोल्डर फॉलो जिंजाइवल मार्जिन. लिंगुअल शोल्डर प्रिपरेशन बार स्क्वायर टेपर स्क्वायर टिप डायमंड. क्राइटेरिया इज 1 mm वाइड 90° केबल सरफेस एंगल. फिनिशिंग फाइन ग्रेड डायमंड और कार्बाइड. क्राइटेरिया ऑल सरफेस स्मूथ एंड कंटिन्यूस. नो अनसपोर्टेड एनामल. 90° केबल सरफेस एंगल. ये इसका पिक्टोरियल डिस्क्रिप्शन है. ये इसका पिक्टोरियल डिस्क्रिप्शन है. आप देख सकते हैं जो हमने पढ़ा है कि डेप्थ रिलेटेड ग्रूव्स हैं. पहले लगाते हैं देन साइज रिडक्शन करते हैं. देन लेबल रिडक्शन होती है. लेबल रिडक्शन होती है जिंजाइवल हाफ की. देन हम ये स्मॉल व्हील डायमंड यूज़ करते हैं फॉर लिंगुअल रिडक्शन. एंड देन लिंगुअल एक्सियल रिडक्शन होती है यहाँ पे. द बार इज फ्लैट एंड टेपर डायमंड. ओके फीचर्स ऑफ ऑल सिरेमिक क्राउन्स. तो रेडियल शोल्डर हो गया. वर्टिकल लिंगुअल वॉल होगी. ठीक है रिटेंशन और रेजिस्टेंस के लिए. कॉनकेव सिंगल रिडक्शन हो गया. राउंडेड एंगल्स हो गए. एंगल्स शुड बी राउंड. हमने एंगल्स को राउंडेड रखना है. एक्सियल रिडक्शन हो गया. कॉमन एरर्स ऑफ प्रिपरेशन. इनसफिशिएंट ऑक्लूजल एंड इनसाइजल रिडक्शन. ये हम गलती कर जाते हैं. लैक ऑफ यूनिफॉर्म रिडक्शन ऑफ लेबल एंड बकल सरफेस. कॉम्प्रोमाइजिंग एस्थेटिक्स. एस्थेटिक्स को कभी कॉम्प्रोमाइज नहीं करना है इसलिए इस चीज़ का ध्यान रखना है. मिनिमम एक्सियल रिडक्शन ऑन द बकल एंड लिंगुअल सरफेसेस ऑफ पोस्टीरियर टीथ व्हिच इंक्रीजेस द इंसिडेंस ऑफ वर्किंग प्रीमैच्योरिटीज. द डिस्टिंक्शन बिटवीन द रिडक्शन एंड क्लियरेंस इज क्रूशियल. अप्रोप्रिएट प्रॉक्सिमल रिडक्शन व्हिच प्रिवेंट्स हैविंग अ क्लीनेबल एम्ब्रेजर स्पेस. और ओवरडेशन ऑफ द टीथ और वायलेशन इन चीज़ों का ध्यान रखना है. थैंक यू. इसके अलावा अगर आपके कोई भी सवाल हों अबाउट क्राउन प्रिपरेशन और उनको कैसे ज़रूर कॉन्टैक्ट करें और मेरे YouTube पे कमेंट करें. मेरे Instagram पे आप मुझे DM कर सकते हैं. विद दिस आई एम साइनिंग ऑफ. दिस इज डॉक्टर चंदर फ्रॉम डॉक्टर चंदर डेंटल स्टूडियो और आप देख रहे हैं द विजडम टॉक. सी यू टुमारो.